बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुएब रियल्टर के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद शुएब मुगल आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ E18 इस्लामाबाद में, जिसको गुलशन सैयद भी कहते हैं, और यहाँ पर मैं आपके लिए 30x60 का मुनासिब कीमत का घर लेकर आया हूँ, जो कि 60 फीट रोड पर वाक़ है। इस घर का रिव्यू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। आए घर का रिव्यू करते हैं जी। ये बिल्कुल सामने मेरे घर है, 30x60 साइज़ है इसका, और फ्रंट एलिवेशन देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन है इसकी। और ये इसका 60 फीट का वाइड रोड है, ये आप देख सकते हैं। घर के सामने जो है आप देख सकते हैं कि टफ टाइल का इस्तेमाल किया गया है, और ये यहाँ पे जो है आप पौधे वगैरह लगा सकते हैं। बिजली का मीटर यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। जैसे ही घर में इंटर होते हैं तो ये इसका कारपोर्च आ गया, जहाँ पे इजीली गाड़ी पार्क हो सकती है। ये इसकी आगे जी गैलरी, और ये आगे जी इसकी एंट्रेंस, ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। और घर में आप देख सकते हैं टोटली जो है वो मार्बल फ्लोरिंग है। ये इसका ड्राइंग रूम आ गया, इसका ये बाहर से भी रास्ता है और अंदर से भी है। इसके साथ अटैच वाशरूम है, वाशरूम में जो है टाइल का काम किया गया है, ये आप देख सकते हैं। इसका टीवी लाउंज आ गया, ये इसका किचन है, कैबिनेट्स वगैरह इसमें बनी हुई है। बिल्कुल ब्रांड न्यू घर है ये, 30x60 साइज है इसका। ये इसका बेडरूम है और इसमें कबर्ड्स वगैरह बने हुए हैं, खूबसूरत सी सीलिंग है इसमें। इसके साथ अटैच वॉशरूम, ये इसकी गैलरी आ गई जी, लॉन्ड्री एरिया, इसका दूसरा बेडरूम आ गया जी, इसमें भी खूबसूरत सी डिजाइनिंग वाली सीलिंग है। इसका वॉशरूम आ गया जी, और ये वेंटिलेशन के लिए नहीं, यहाँ पे इन्होंने विंडो लगाई हुई है, और ये यहाँ पे कबर्ड्स वगैरह बनी हुई है। 30x60 साइज का जो है घर है ये, और आप ये देखें जी, एक नई चीज देखने को मिली है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे इन्होंने जगह छोड़ी हुई है, यहाँ पे इन्होंने ये शीशे का जो है इस्तेमाल किया है, ये आप देख सकते हैं। कॉलम दिन पे ये घर प्रॉपर बना हुआ है, ये देखें ये सरिये वगैरह निकले हुए हैं, साइड वॉल इसकी लगी हुई है। ये वेंटिलेशन है जी ऊपर से, अब देखें इसको, लॉन्ड्री एरिया भी इसको कहते हैं जी। यहाँ पे अगर आप डबल यूनिट बनाना चाहते हैं तो वो भी इजीली यहाँ पे बन सकती है। आसपास का एरिया भी आप देखें, काफ़ी यहाँ पे घर वगैरह जो है वो बने हुए हैं, कुछ बन रहे हैं। अगर मैं इस घर की लोकेशन की बात करूँ, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, E18 गुलशन सैयद इसको कहते हैं, फतेह जंग रोड पे ये वाक़ है। 30x60 साइज़ का ये घर है, और यहाँ पे फैसिलिटीज़ जो हैं, पानी मौजूद है, बिजली का मीटर भी लगा हुआ है, और ये 60 फीट रोड पर वाक़ है। अगर मैं इसकी डिमांड की बात करूँ तो 1,50,00,000 ऑनर इसकी डिमांड करते हैं, उम्मीद है इसमें कमी पेशी हो सकती है। अगर आप इस घर में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर ज़रूर रब्ता करें। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बान, अल्लाह हाफिज़।